गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका शान सर, स्वागत करता हूं फेसबुक लाइव कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बिगनिंग से कंप्यूटर क्लासेस की क्लास। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन में कंप्यूटर, तो अभी सभी को जानते होंगे कि आप कंप्यूटर का हिंदी बैठिकली संगणक होता है। मगर हम संगणक के अलावे भी जो हम पढ़ाते हैं उसे हम लोग संगणक कहते हैं। अब तर्क यहाँ पे हो जाती है कि संगणक और संगणक, सर किताब में संगणक होता है, आप संगणक पढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के अंदर हम लोग दो चीज का काम जरूर करते हैं। सबसे पहला एक लॉजिकल और एक मैथमेटिकल। जब हम लॉजिकल्स की बात करते हैं तो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम को उसे इंडिकेट करते हैं, और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 0 to 9 का भी बात करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग संगणक के अलावा भी संगणक भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज कर सकते हैं, आप करेंगे। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि कंप्यूटर का परिचय, यानी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर की जानकारी जो है किसी भी माध्यम से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, मगर हर एक टीचर्स अपना एक थ्योरी होता है, उस थ्योरी के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जान लीजिए कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कंप्यूटर जो है एक विद्युत से चलने वाली विद्युतीय यंत्र है। विद द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन सप्लाइड बाय यूजर। कंप्यूटर के अंदर क्षमता होती है कि किसी भी जानकारी, किसी भी निर्देश को कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है जो आप देते हैं, जो यूजर के माध्यम से दिया जाता है। जब यूजर के माध्यम से आप किसी भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन यानी कि जानकारी या निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर क्या करती है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद उनका काम क्या है, परफॉर्म करना, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, गिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू यूजर इक्विपमेंट्स। जब किसी भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, देने के बाद उनका काम है परफॉर्म करना। ये जो परफॉर्म करेगी एक मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल्स काम करने के लिए, तो हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। गिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू यूजर इक्विपमेंट्स, किसी भी यूजर इक्विपमेंट्स के माध्यम से फिर वो आपको दिखा देती है। तो दोस्तों, सिंपल में छोटा सा ये डिफिनेशन है हमारा, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो आप इसी में देख रहे हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी संगणक है, आप संगणक लिख सकते हैं या संगणक भी कर सकते हैं। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विद द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन सप्लाइड बाय यूजर, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, गिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू यूजर इक्विपमेंट्स। आज हमने आपको कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन के विषय में बताया। अब दोस्तों, हम चलते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है वो कौन कौन सा है, उसके विषय में जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मुख्य भाग ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर का मुख्य भाग जो है वो है, देयर आर
4 types of basic components. There are 4 types of basic components. कंप्यूटर का जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो 4 प्रकार का है. ये 4 प्रकार का है कैसे है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 4 प्रकार में सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा कंट्रोल यूनिट एंड चौथा मेमोरी. इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी का. अब कहेंगे सर कि ये 4 भाग कैसे हुआ, तो आप एक डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारा एक सीपीयू इस बॉक्स होती है. इस बॉक्स का नाम हम लोग सीपीयू कहते हैं, इसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसे हम कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग के यूनिट के अंदर जब भी हम लोग किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं, इनपुट डेटा, जब इनपुट डेटा करते हैं तो इनपुट डेटा वो जाती है ALU. आप कहेंगे कि ALU है क्या? ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. आप जो डाटा देते हैं वो डाटा सर्वप्रथम सिस्टम के अंदर सीपीयू के अंदर ALU पे जाएगी, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट. इसका काम है किसी भी डाटा को पकड़ना. अब ALU के पास जाने के बाद वो डाटा आपको CU को ट्रांसफर करेगी. अब ये CU क्या होती है? CU का मतलब कंट्रोल यूनिट. अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे कि आप जो ये डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं क्या चीज कर रहे हैं, या तो आप अर्थमेटिक दे रहे हैं या लॉजिक दे रहे हैं. अगर लॉजिक दे रहे हैं तो अल्फाबेटिक ए टू जेड, अगर मैथमेटिक देते हैं या अर्थमेटिक देते हैं तो 0 to 9. ये डाटा देने के बाद ये डाटा आपका सीयू पे जाता है. सीयू क्या करता है? इसे ट्रांसफर मेमोरी को करती है, मेमोरी. फिर मेमोरी क्या करती है? ट्रांसफर सीयू को करती है, कंट्रोल यूनिट को. और कंट्रोल यूनिट क्या करती है? वो आउटपुट करती है. अब ये जो प्रोसेस है, ये डेटा इनपुट करने के बाद आउटपुट तक की प्रोसेस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं. ये सारा काम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है. तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने डाटा इनपुट किया, डाटा ट्रांसफर कंट्रोल यूनिट को गया, कंट्रोल यूनिट मेमोरी को ट्रांसफर किया, और फिर मेमोरी क्या कर रहा है? वो ट्रांसफर आउटपुट कर रहा है. तो हम लोग जान गए हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो मुख्यतः पार्ट जो होती है कंप्यूटर का, वो 4 प्रकार का होता है, एक इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी. बट आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स 4 प्रकार के बताते हैं, मगर उनका नाम अलग अलग दे देते हैं. एक कह देंगे आपको कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर. ये आपका बेसिक कंपोनेंट्स नहीं है, ये आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है. अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप उस समय बता सकते हैं कि मेरा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में है, वो जो आप बता सकते हैं. तो अभी इसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स के बाद मैं आप बेसिक पार्ट्स पे जाऊंगा और उसके विषय में भी आपको बता दे रहा हूं. तो आप सभी कोई नोट्स कर लीजिए, बेटर होगा. तो हम लोग जानते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी, जो मैंने डायग्राम के माध्यम से आप सभी को बता दिया हूं. जैसे कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में भी आप कॉमेंट कर सकते हैं. आप चलते हैं दोस्तों कि बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. अब बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर का, इसके विषय में जानेंगे. नंबर 3, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. तो बेसिक्स पार्ट्स भी कंप्यूटर का 4 प्रकार से है.
देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी चार प्रकार से है। नंबर वन मॉनिटर, नंबर टू सीपीयू, नंबर थ्री कीबोर्ड और नंबर फोर माउस। अगर बात आती है बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की तो हम लोग जानेंगे आज कि बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार प्रकार की होती है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर वन मॉनिटर, नंबर टू सीपीयू, नंबर थ्री कीबोर्ड और नंबर फोर माउस। ये बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। अगर मान लीजिए कि आप मॉनिटर आपके पास है, सीपीयू आपके पास है, कीबोर्ड आपके पास है, माउस आपके पास है, ये एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य भाग होती है। अगर ये नहीं रहेंगे तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट करके, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद, जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज़।